नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रुकाम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो पेंटेट खत्म होने के बाद 50% सस्ती होगी दवाएं, सरकार ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में किया है संशोधन। आम लोगों को जल्दी महंगी दवाओं से जल्द छुटकारा मिलने वाला है, दरअसल केंद्र सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर दिया। दरअसल ड्रग प्राइस कंट्रोल संशोधन 2023 के मुताबिक अब कंपनियों की ओर से लिए जाने वाले पेंटेट को खत्म करने की बात की जा रही है। पेंटेट खत्म होने के बाद अब महंगी दवाएं 50% तक सस्ती हो जाएगी, यानी आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है और राहत की खबर है। लोगों को महंगी दवाओं से छुटकारा मिलेगा और पेंटेट वाली दवाई भी 50% तक सस्ती हो जाएगी। बता दें आपको कि जो DPCO है, DPCO अमेंडमेंट 2023 के मुताबिक पेंटेट खत्म होने के बाद नए सिरे से जो प्राइस है वो तय किए जाएंगे। वही केंद्र सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब कंपनियों को पेंटेट खत्म करने पर विचार करना होगा। इसके अलावा एक साल के बाद मौजूदा फॉर्मूले के अनुसार रिविजन उसे किया जाएगा। बता दें आपको कि पहले तय सेलिंग प्राइस को 50% तक कम करके नई दरों को तय किया जाएगा। नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि नई दरें तय करने के दौरान पेंटेट वाली कंपनियों और उसके द्वारा लाइसेंस दी गई कंपनियों को इस प्रोसेस से बाहर रखा जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो योगी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, घर घर पहुंचाएंगे किसानों के पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने शुरू की है। इस योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 22 मई से 10 जून के लिए एक महाअधिवेशन यहां पर चलाने का ऐलान किया है। इस महाअभियान में उसमें यहां पर राज्य सरकार के कर्मचारी उन किसानों के घर जाएंगे जिन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। वही उनका जो नाम लिस्ट है वो यहाँ पर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। वे ग्राम पंचायत स्तर पर ये जो अभियान है वो UP में शुरू किया जाएगा। बता दें आपको कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए सरकार की ओर से मुहैया कराए जाते हैं। वह किसानों को ये पैसे जो है 3 किस्तों में दिए जाते हैं। साल भर में 3 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं। हर किस्त में 2,000 रुपए सरकार की ओर से मिलते हैं। हर 4 महीनों में ये किस्त रिवाइज की जाती है। 4 महीनों में किस्त जो है जारी की जाती है। वही योगी सरकार का कहना है कि इस अभियान के तहत सरकारी कर्मचारी जो है वो किसानों के घर जाएंगे और उन किसानों की लिस्ट तैयार करेंगे जो किसी भी कारण इस योजना का यहाँ पर फायदा नहीं ले पा रहे हैं। वह सरकारी कर्मचारियों को गांव-गांव भेजा जाएगा। वह CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में 100% पात्र किसानों को इस योजना का फायदा पहुंचाया जाएगा। वह उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव है दुर्गा शंकर मिश्र, उन्होंने इस अभियान की यहाँ पर मॉनिटरिंग करने की बात कही है, यानी वो मॉनिटरिंग यहाँ पर करेंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब घर बैठे ही बन जाएगा लाइसेंस, नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर। आप सड़क पर कानून का पालन करते हुए गाड़ी चलाए, इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए पहले आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, इसलिए आपको लर्नर लाइसेंस बनवाने की जरूरत पड़ती है। भारत में लर्नर लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम उम्र जो है 16 साल की है। वही मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार 16 साल की कम उम्र का कोई भी भारतीय जो है नागरिक 50 CC या फिर उससे कम इंजन की क्षमता बिना गियर वाली दोपहिया वाहनों के लिए लर्नर लाइसेंस का लिए आवेदन कर सकता है। आप लर्नर लाइसेंस अपने शहर के RTO से जाकर अपलोड करवा सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ने इसे बनवाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी, इस वजह से आप घर बैठे भी लाइसेंस बनवा सकते हैं और इसके लिए आपको RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल बात यह है कि ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान है, इसलिए आपको 7 चरणों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए आवेदक को सबसे पहले सारथी पोर्टल पर अपना राज्य का चुनाव करते हुए आवेदन करना होगा। दूसरे चरण में फोटो और सिग्नेचर, आप पता आदि जैसे अनिवार्य जानकारी आधार पोर्टल पर जो है उससे प्राप्त की जाएगी। वह तीसरे चरण में आपको ऑनलाइन मोड के जरिए शुल्क भुगतान करना होगा। पांचवें चरण में आपको सड़क सुरक्षा पर आधारित एक अनिवार्य वीडियो ट्यूटोरियल देखना होगा। इसके बाद आपको किसी भी जगह से ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस की परीक्षा देनी होगी। आवेदन के अंतिम चरण में आप पोर्टल द्वारा भेजे गए मोबाइल SMS या रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लर्नर लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो IPL में जियो सिनेमा ने तोड़ा है रिकॉर्ड, पहले 5 हफ्तों में 1300 करोड़ से ज्यादा वीडियो व्यूज हुए हैं पार। IPL 2023 का ऑफिशियल जो स्ट्रीमर है जियो सिनेमा लगातार वैश्विक स्तर पर नए नए बेंचमार्क बना रहा है। दरअसल IPL के सीजन के पहले 5 हफ्तों में 1300 करोड़ से ज्यादा का व्यू जो है यहां पर जो ये ऐप है जियो सिनेमा को यहां पर मिल रहा है। दर्शक जियो सिनेमा पर जमकर IPL का लुक उठा रहे हैं। दर्शकों ने प्रति मैच औसतन 60 मिनट खर्च यहाँ पर किए हैं। वह IPL 2023 HDTV की तुलना में दुगुना यहाँ पर दर्शकों तक पहुंचा है। वह वाइकोम एटीन स्पोर्ट के CEO जो है अनिल जयराज, उन्होंने जियो सिनेमा की उपलब्धि पर कहा कि जियो सिनेमा हर हफ्ते तेजी से यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जियो सिनेमा डिजिटल माध्यम के जरिए IPL को सीधे दर्शकों तक पहुंचाने की अवधारणा पर आधारित है। शानदार IPL और हमारे मजबूत मंच संयोजन
ने साबित कर दिया है कि शानदार ओपनिंग वीकेंड आने वाले बड़ी चीजों की शुरुआत थी। हम अपने जो प्रायोजक हैं और विज्ञापनदाताओं और भागीदारों को हमारी यात्रा का विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम हर प्रशासक के जो भी आईपीएल का जो प्रशासक है उनको टाटा आईपीएल देखने के अनुभव को बेहतर बनाना जारी रखेंगे। बता दें आपको जियो सिनेमा ने 5 दिन के अंतराल में 2 बार टाटा आईपीएल के सर्वोच्च रिकॉर्ड इसमें तोड़ा है। 12 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच खेला गया था, उसमें 2 करोड़23 लाख व्यूज यहाँ पर मिले थे। वही 5 दिन के बाद रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के मैच को जियो सिनेमा पर 2.4 करोड़ दर्शकों ने देखकर पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया।